बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के काफी राजनीति है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी आज जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मसले पर? बिहार को पूर्ण रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए पूरा मौका दिया है। आज इस तरह एक पैकेज के स्वरूप में 26,000 करोड़ रुपया हाईवेज के सेक्टर में, 11,500 करोड़ रुपया जो बाढ़ से हम पूरी तरह नॉर्थ बिहार के लोग पूरे डूब जाते हैं उसकी समाधान की व्यवस्था शुरुआत किया है। इसके साथ साथ कई एयरपोर्ट्स, कई मेडिकल कॉलेज, पर्यटन के स्थल, धार्मिक स्थल, सभी बोधगया हो, नालंदा हो, राजगीर हो, विक्रमशिला हो, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह बिहार के लिए, विकास के लिए खजाना खोलने का काम किया। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग थी, दोनों सदन से दो दो बार पास हुआ, लेकिन वो तो नहीं मिल रहा। देखिए, विशेष सहायता ये लगभग 1,00,000 से अधिक करोड़ की राशि उपलब्ध बिहार को हो रही है। आज जो अभी तक जो बजट में आए, अभी तो और विस्तार से आने हैं, अभी तक जो बजट से बजट का स्वरूप आया है उसमें लाखों करोड़ रुपया बिहार जैसे बिहार गरीब राज्य को विकसित होने के लिए, ये गौरव का क्षण है हमारे लिए कि बिहार जैसे राज्य को विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा खजाना खोल दिया। आपने सुना वित्त मंत्री को, डिप्टी सीएम को, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या राजनीति इस पर खत्म होगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर? हमारे सहयोगी सर प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.